Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. So, आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम्स ऑन सॉलिड स्टेट. तो प्रॉब्लम में क्या क्या है, कैसे क्या है, किस तरीके से हम कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये है आपके NCERT क्लास 12th और यूनिट 1 का हिस्सा. तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटाइट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए वो एक एक करके हमें आंसर करना है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस विद Fe एटम्स ऑक्यूपाइंग 1/8 ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स एंड 1/2 ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स इन CCP ऑफ ऑक्साइड आयन. वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड. तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला डिस्कस करके हमें जो है फाइंड आउट करके निकालना है. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स वो बेसिकली होता है आपके रैंक के बराबर, है ना. सो अगर हम देखें रैंक ऑफ FCC, राइट. सो रैंक ऑफ FCC कितना होता है, 1/8 आपके कॉर्नर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 8 कॉर्नर्स प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ FCC. तो यहाँ पे आपका जो फेस सेंटर्ड वाले होते हैं वो 6 होते हैं और पर जो एटम है वो 2 में शेयर होता है, 2 यूनिट्स में. सो इसलिए 1/2. तो इफेक्टिवली यहाँ पे कितने नंबर आया, ये आया आपका 4. इसके अलावा हमें ये याद होना चाहिए कि द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड्स कितने होते हैं. तो अगर ऑक्टाहेड्रल का वर्ड देखें तो ये आपके रैंक के बराबर होगा, दैट इज़ जेड, और जो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स हैं वो आपके 2Z के बराबर होगा. तो यहाँ पे जो है हमें जो है टोटल नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालना है, राइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ Fe एटम्स इन द यूनिट सेल, राइट. तो वो जो होगा बराबर होगा आपके 1/8 दिया है आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के एंड 1/2 दिया है आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आएगा आपका 1 प्लस ये आएगा आपका 2, दैट इक्वल टू 3. हेंस द फॉर्मूला फॉर द गिवन आयरन ऑक्साइड क्या आया आपका, वो फॉर्मूला वो आया आपका Fe3O4 के बराबर, राइट. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऊपर इफेक्टिवली जो है 4 है और यहाँ पे हमने आयरन का निकाला जो आपका 3 है. अब आते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ द ऑक्साइड फॉर्मूला इज गिवन बाई Fe0.96 O1, वॉट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe+2 एंड Fe+3 आयन्स, ठीक है. तो यहाँ Fe+2 और +3 में कितने आपके आयन्स है वो हमें देखना है. तो यहाँ पे आप ये अज्यूम करिए कि अज्यूमिंग दैट द There are X molecule fraction of Fe+2. Fe+2 का हमने जो है molecule fraction जो है हमने माना कि X है, right? So then the molecule fraction ऑफ Fe3+ का कितना हो जाएगा, 0.96 माइनस एक्स, राइट. यहीं से आया. अच्छा, उसके बाद और एक चीज़ क्या देखना है कि द ऑक्साइड इज ओवरऑल न्यूट्रल. सिंस आपका जो ऑक्साइड गिवन है वो आपका ओवरऑल न्यूट्रल है, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है आपके नेगेटिव चार्ज के बराबर है. सो चार्ज
ऑफ एफ ई विल बी इक्वल टू, तो यहाँ टोटल लिख देते हैं, टोटल चार्ज ऑन एफ ई, इसको वापस से रीराइट करते हैं, टोटल चार्ज ऑन एफ ई विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन के बराबर, राइट। सो यहाँ पे एफ ई का टोटल चार्ज क्या आएगा, सो प्लस टू के आपके हैं एक्स, प्लस प्लस थ्री का अगर देखा जाए तो वो है आपका 0.96 माइनस एक्स, और ये आएगा आपके टू के बराबर, राइट। तो यहाँ पे जो है ये आपका प्लस टू है एक्स, प्लस जो है ये आएगा 3 × 0.96 माइनस 3x इक्वल टू टू के बराबर। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पर आया 2.88, इसको इस साइड ले गए तो यहाँ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 0.88, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आई 0.88। तो आपका यहाँ पे आया मॉलिक्यूल फ्रैक्शन, राइट। तो परसेंटेज निकालना है, सो परसेंटेज ऑफ एफ ई टू प्लस, तो आएगा 0.88 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 100 के बराबर, राइट। तो यहाँ पे 0.88 डिवाइडेड बाय अगर 96 देखें, सॉरी 0.96 देखें, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट आपके 91.6 परसेंटेज निकालना, 6% के बराबर। और सिमिलरली परसेंटेज ऑफ एफ ई थ्री प्लस का देखें, तो एफ ई थ्री प्लस का कितना आएगा 8. तो ये कैसे आया आपका वो भी देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली हमने सिंपली जो 100 माइनस ये कर दिया, सो 100 माइनस 91.67, तो ये आया आपका 8.33%। तो हमारा फाइनल आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर था Fe3O4, और सेकेंड वाले पार्ट का आंसर आया परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस जो है 91.67%, और परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस वो आया 8.33%। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।